हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक तो जैसा कि आपको पता है आई बी पी एस मेन्स का जो रिजल्ट आया था उसका आज स्कोर कार्ड भी रिलीज कर दिया गया है आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं और जहां तक बात करें हम कट ऑफ की तो मेंस के जो कट ऑफ है आई बी पी एस एफ ओ की ई डब्ल्यू एस ओ बी सी और जनरल की सत्ताईस दशमलव पाँच गई है ये आप देख सकते हैं सत्ताईस दशमलव पाँच कट ऑफ गई है और मैंने अपना जो मेंस हुआ था उसके जस्ट बाद मैंने वीडियो अपलोड किया था और कट ऑफ पच्चीस से छब्बीस बताया था क्योंकि पेपर इस बार टफ था पच्चीस से छब्बीस कट ऑफ बताया था एग्जैक्ट सत्ताईस दशमलव पाँच जीरो गई है तो ये काफ़ी हद तक मेरा अनुमान सही निकला और अगर बात की जाए जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट है तो उनका स्कोर अभी नहीं दिखाएगा उनका स्कोर आफ्टर इंटरव्यू नियर अबाउट मार्च के लास्ट वीक में दिखा देगा और एक अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा तो अगर हम बात करें इंटरव्यू की तो इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो लगभग फरवरी के लास्ट वीक से लेकर मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा करीब बाईस तेईस फरवरी से जनरली और मार्च के फर्स्ट वीक में इंटरव्यू होते हैं और एक अच्छी बात यह भी है कि आई जो एफ ओ में टोटल कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए लिए सिलेक्ट हुए हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में सिलेक्ट हुए हैं चौवन सौ चौवन सौ तीस कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो चौवन सौ तीस बच्चों का सिलेक्शन है अगर वन इंस टू थ्री रेशियो में वैसे बुलाते हैं लेकिन अगर हम वन टू फाइव रेशियो में भी मान लें तब भी एक हज़ार से अधिक वैकेंसी हैं यह कंफर्म हो चुका है लगभग कंफर्म है वैकेंसी बढ़ी हैं और यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं 516 वैकेंसी रिपोर्ट की थी आईबीपीएस ने एफ में लेकिन मुझे लगता है बैंक ऑफ इंडिया जो अभी उसने स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एक अलग से रिक्रूटमेंट निकाला हुआ भी है आईटी का शायद तो उसने ए में भी वैकेंसी ऐड कर दी है और वैकेंसी कुल मिलाकर करीब करीब एक हज़ार वैकेंसी पर फाइनल रिक्रूमेंट होने वाला है तो इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लगभग डबल वैकेंसी पर सिलेक्शन होने वाला है इस बार और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू की तैयारी करिए ताकि हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन आपका हो और कोई भी अगर आपको डाउट हो कोई भी इंटरव्यू रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जानकारी मिलती रहे सो थैंक यू